नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वाईफाई से लैस होगा शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय। 4 सदस्यीय कमेटी गठित, कुलपति बोले स्टूडेंट्स को मिलेगी बेस्ट फैसिलिटी। लखनऊ का डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय परिसर अब पूरी तरह से वाईफाई से लैस होगा। स्टूडेंट्स को सभी जगह हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। इसके लिए कुलपति के निर्देश पर वाईफाई उपकरण के स्पेसिफिकेशन के लिए प्रोफेसर AK दुबे की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। अभी तक कैंपस के कुछ ही विभागों में वाईफाई की सुविधा थी, लेकिन अब लक्ष्य पूरे परिसर को वाईफाई से लैस करना है। समिति के गठन के बाद 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। कुल सचिव प्रोफेसर रोहित सिंह की तरफ से जारी आदेश में प्रोफेसर AK दुबे, अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश चंद्र रावत, डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह, डॉक्टर गौरव गोयल को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को मिलेगी बेस्ट फैसिलिटी। कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय में टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बेस्ट फैसिलिटी स्टूडेंट्स को मुहैया कराई जा रही है। स्टूडेंट की तरक्की में कहीं कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। कमेटी का गठन करके जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी शाखा बोर्ड समिति का गठन। कोर्स वर्क और पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए यूनिवर्सिटी शाखा बोर्ड समिति का गठन किया गया। इनमें प्रोफेसर BK सिंह, प्रोफेसर नागेंद्र यादव व प्रोफेसर CK दीक्षित समिति के सदस्य नामित किए गए हैं। कुलपति ने गार्डन डेवलपमेंट और कैंपस ब्यूटिफिकेशन समिति का गठन किया है। डॉक्टर अवनीश चंद्र मिश्रा को समिति का अध्यक्ष बनाया गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।